आज के वीडियो में हम फेलिडाइकुल के खतरनाक शिकारी माउंटेन लायन और डॉग ब्रीड्स के खतरनाक नस्लों में से एक डॉग अर्जेंटिनो के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले ये बता दूं कि डॉग फाइट्स एक कानूनी अपराध है, हम इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ जानकारी बताई जा रही है। चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि डोगो अर्जेंटिनो और कुगर के बीच में लड़ाई होती है तो क्या डोगो जीतेगा? जानने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहे। डोगो अर्जेंटिनो को जंगली सुअर और पुमा के सामने लड़ने के लिए बनाया गया था। ये काफी इंटेलिजेंट और आक्रामक होते हैं। इसकी मसल्स काफी मजबूत होती है। यह इतना खतरनाक डॉग है जिसके कारण इसको बहुत सारे देश में बैन किया गया है। डोगो अर्जेंटिनो की हाइट करीब 3 फीट होती है जबकि इसका वजन 45 किलोग्राम होता है। यह करीब 500 PSI के दबाव से शिकार को काट सकता है, पर फिर भी यह माउंटेन लायन जैसी बड़ी बिल्ली के लिए सही मैच नहीं है। ऐसा क्यों? यह जानने के लिए हम माउंटेन लायन के बारे में थोड़ा जानते हैं। माउंटेन लायन बिल्ली परिवार का चौथा सबसे बड़ा सदस्य है। इसके पहले बाघ, शेर और जगुआर का नंबर आता है। इसका वजन करीब 90 किलोग्राम और लंबाई करीब 9 फीट होती है, जबकि यह 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है। कुगर एक बेहद ही खतरनाक जानवर है जो 240 वर्ग किलोमीटर का एक लौता राजा है, जहां पर मनुष्य के अलावा कोई भी जानवर उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता है। मनुष्य भी इस पर दूर से ही गोली मारकर हमला करता है। पुमा शिकार के नजदीक जाकर लंबी छलांग लगाकर इसको मौत के घाट उतार देता है। इसकी बाइट फोर्स 300 PSI की होती है, पर इसके दांत बहुत ही घातक होते हैं, जिसकी मदद से वो शिकार को आसानी से मार डालता है। चलिए अब देखते हैं दोनों की लड़ाई में कौन जीतेगा। ये बात तो हमने पहले ही बता दी कि डोगो अर्जेंटिनो माउंटेन लायन को हरा नहीं सकता है। आपको YouTube पर बहुत सारी क्लिप मिल जाएंगी जिसमें बताया गया है कि डोगो अर्जेंटिनो माउंटेन लायन को मार रहा है, लेकिन किसी भी क्लिप में पूरी लड़ाई बताई नहीं है। एक डोगो माउंटेन लायन को तभी हरा सकता है जब माउंटेन लायन काफी छोटा होता है। किसी भी फुल्ली ग्रोथ माउंटेन लायन को मारना डोगो अर्जेंटिनो के लिए काफी मुश्किल है। इसका रीजन यह है कि माउंटेन लायन हर दिन शिकार करता है और वो डोगो अर्जेंटिनो की तुलना में 2 गुना भारी होता है, और इसके पास शिकार करने का काफी तजुर्बा भी है। इसीलिए दोनों की लड़ाई में पहाड़ी शेर की ही जीत होगी। इस वीडियो में मैंने सिर्फ सही जानकारी देने का प्रयास किया है। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।